हेलो एवरीवन। सो मैंने मम्मी के लिए दो कुर्तीज मंगाई है। आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम कुर्तीज मंगा रही हूँ ये ऐप से, तो कैसा रहेगा? लेट्स सी मम्मी को पसंद आता है कि नहीं, कपड़ा कैसा है उसका, फिटिंग कैसी है, और देखते हैं, नहीं पसंद आया तो रिटर्न कर देंगे। ये ब्लैक कलर का है, ये मम्मी को लॉन्ग हो रहा है बट एकदम परफेक्ट फिट है। कपड़ा का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और कलर भी ऐसा डल नहीं है, मस्त दिख। सो ये सेकेंड कुर्ती है, ये मम्मी को थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो मैं ये चेंज करा के डबल एक्सेल साइज ले लूंगी, बट ये मम्मी में बहुत खिल रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है। कपड़ा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और पिंक कलर भी, मतलब कलर भी एकदम फेड नहीं, एकदम डार्क कलर, मस्त लग रहा है। पिंक वाले के नीचे ये नहीं है ना, मतलब यही डिजाइन है ना, कॉमन डिजाइन है, तो इसको हम छोटा नीचे से करा सकते हैं ये ऐसा। अब ब्लैक वाले में क्या है ना, यहाँ पे ये डिजाइन आ जाता है ये वाला, तो अगर यहाँ से कट भी करेंगे तो ये डिजाइन निकल जाएगा, तो वो टेलर को ही पूछना पड़ेगा या तो फिर टेलर ऊपर से छोटा करा सकता है क्या। हेलो, हैप्पी होली एवरीवन। सो हम सब रेडी हो गए हैं, ये आरो का झूला भी पैक्ड है और मायना उसके ऊपर बैठी है। ये आरो, हाय, बोलो मम्मी। हम सब जा रहे हैं करजत में, एक्चुअली नेरल में एक रिसोर्ट है, आनंदी रिसोर्ट, तो वहाँ पे आरव का बर्थडे हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे और होली भी वहीं सेलिब्रेट करेंगे। हम निकलने वाले थे 3 बजे और ड्राइवर लेट है आधा घंटा, तो लेट्स सी कैसे पहुँचते हैं, लेट होगा, जल्दी होगा, टाइम पे पहुँचते हैं, ट्रैफिक पे डिपेंड है सब हैं। और दीदी ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी है। दीदी इन लोग तो सुबह से ही निकल गए थे क्योंकि उन लोग बस से आ रहे थे, तो उन्होंने बोला जल्दी पहुँच जाते और वहीं पर टाइम पास कर लेंगे। 6 बजे का चेक इन है, हम लोग को 6 बजे पहुँचना है, ऑलरेडी 3 बज गए हैं, शायद हम लेट हैं। अब मेरा हीरो, हम लोग इतने अच्छे से तैयार हुए और मैंने ये होममेड एप्रन किया है ताकि जब भी इन लोग वॉमिटिंग करें तो इसके ऊपर करें, इनका ड्रेस खराब ना हो और गाड़ी खराब ना हो। मेन है ना भाइयों, तो आप अभी ये पहनोगे, हाँ पहनोगे ना, बोलो बाय, हैप्पी होली, हाँ एंजॉय। पहुंच गए हैं, आरव ने पूरा उल्टी कर करके अविनाश का पूरा शर्ट का वाट लगा दिया है ना मायू? मायू ने उल्टी किया? नो। अरे मायू नाराज है क्योंकि पापा उतर गए, पापा पार्किंग देखने गए बाबू। एंड आई एम हियर, बट यहाँ गाड़ी जाने के लिए रास्ता दिख नहीं रहा है, सो मायरा सब लोग किधर है? नहीं, वो तो रिसेप्शन को पूछ लो ना। हाय तकलीफ। तो यहाँ पार्किंग के लिए मुझे दिख नहीं रहा है, आई थिंक बाहर ही है वो पार्किंग, तो पूछना पड़ेगा रिसेप्शन में। पार्किंग बाहर ही है क्या कि अंदर है? कहा है पार्किंग यहीं लगा दो क्योंकि वो साइड शायद होली लगाएंगे आज, वो देखने के लिए मजा आएगा। देखिए तो मारिया को झूला, गोदी क्यों नीचे उतरो, मैं झूला झूलाने ले जा। अच्छा बाय। तो चलिए मैं आपको रिसोर्ट की सैर करा देती हूँ। एंट्री करते ही राइट साइड में रिसेप्शन है और लेफ्ट साइड में है टेंट हाउस। और लो ये आ गया इंडोर गेम रूम। सो यहाँ पे स्नेक एंड लैडर्स, चेस, लूडो, डार्ट, टेबल टेनिस, कैरम, टेबल पूल जैसे कई सारे गेम्स अवेलेबल है। यहाँ पे सुपर डिलक्स रूम विद जकूजी है, उसके सामने ही छोटा सा एरिया दिया है आपको बैठने के लिए और उसके बाजू में ही किड्स प्ले एरिया, बहुत छोटा सा क्यूट सा किड्स प्ले एरिया दिया है। थोड़ा आगे जाने पे आपको मिलेगा स्विमिंग पूल, ये है स्विमिंग पूल फॉर एडल्ट्स। स्विमिंग पूल के बगल में ही है कैंटीन, माय फेवरेट। और कैंटीन के राइट साइड में है स्विमिंग पूल फॉर किड्स, ये मायरा और आरव का फेवरेट प्लेस है। और ये हमारी सवारी चली टेंट हाउस की तरफ।
टेंट हाउस के ठीक सामने है किड्स प्लेग्राउंड। ये दो टेंट हाउस है जहाँ पे हम रुके हैं। ये है बास्केटबॉल प्लेग्राउंड। सो ग्राउंड के बीचों बीच ही ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि खेलते खेलते अक्सर प्यास लग जाती है। आपको यहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड ट्यूब्स रेंट में मिल जाएगा। ये है बॉयज़ का फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड। सामने ये ग्राउंड फॉर बैडमिंटन है। ये आ गए हम फन जोन एरिया, सबका फेवरेट। यहाँ पे राइफल शूटिंग, आर्चरी, पेंट बॉल गेम, ग्लास गेम जैसे कई सारे गेम्स अवेलेबल है। ये है फिश पेडिक्योर जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं लेकिन पैसे दे के। ये आ गए हैं मेरा सबसे फेवरेट एडवेंचर एक्टिविटीज, किड्स सेक्शन में। यहाँ पे है बंजी जंपिंग, स्लाइड्स, सीसॉ, काफी सारे गेम्स हैं जो किड्स एंजॉय कर सकते हैं। पहुंच गए हैं, अभी रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं कीस के लिए। बाजू में ही रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन का बहुत आवाज आ रहा है। राखी बांध रही है। अब फिर मैं भाई भी बांध लूं, भाई भी बांध लूं। तो अभी राखी बांधा ना, दिल्ली भुल्ली शगुन दो बजाएंगे गरीब चो। ऐसे गरीब लोगों को ना भाई बहन नहीं बना रहे।